ओवल वर्सेज नॉर्दर्न के बीच में मैच है मेरे भाई। तो ओवल इनविंसिबल इस साल की फेवरेट फिर से मानी जा रही है जीतने के लिए खिताब। दो मैच खेली, दोनों जीती है, सेकंड पोजीशन पे भी है। नॉर्दर्न लास्ट मैच में अच्छा यहाँ पे वापसी की 146 जैसा टारगेट, जो कि डिफिकल्ट सर्फेस पे लग रहा था कि चेज नहीं होगा, उसको साउदर्न के खिलाफ आराम से चेज किया 147 मार के। पूरन और इनके खुद के बैटिंग 34 रन मारा इन्होंने, जिसकी वजह से टीम जीती। सेवन पोजीशन पे करेंटली, दो मैच खेली, एक मैच जीती, एक मैच हारी है। तो ये मैच होगा तगड़ा मेरे भाई। ओवल इनविंसिबल बहुत तगड़ी लग रही है, एक लो स्कोर को भी डिफेंड करके आ रही है 113 वेल्स फायर के अगेंस्ट। बाकी यहाँ पे फेवरेट देखिए, यहाँ पे नॉर्दर्न ही मानी जा रही है और 33% सिर्फ ओवल है। तो रेट आपको 80-82 पैसा अभी करेंटली ओवल इनविंसिबल फेवरेट दिख रही है, ठीक है। तो ये करेंट फेवरेट है ओवल, और यहाँ पे मार्केट मान रहा है कि नॉर्दर्न जीत सकता है। तो रेट आपको मिल रहा है, खाके यहाँ पे प्लस कर सकते हैं अगर इस हिसाब से आप चलेंगे तो क्या ऐसा होगा, या फिर यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे ओवल इनविंसिबल जीत जाएगी, या फिर 50 पैसा से इधर से उधर होगा, किस तरह का मैच होगा, सेशंस कैसे जाएंगे, ए टू जेड बात करेंगे मेरे भाई। केंसिंगटन ओवल में मैच खेला जाएगा लंदन में, तो जो बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं वैसे ही जा रहा है मैच। 5:30 चल रहे हैं, सेशन भी 5 चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपको फ़ायदा उठाना है तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, कल एक ही मैच है 11 बजे का, ठीक है, आप जुड़िए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे स्कैन करके 7428525769 पे कांटेक्ट करिए। मैच और सेशन का आज भी दो मैच दिया, दोनों पास करवा के दिया मेरे भाई। तो जैसा चल रहा है बहुत तगड़ा चल रहा है, और नीचे से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, फायदा उठाइए मैच और सेशन का। और जैसे बोलेंगे वैसे फॉलो करते रहिएगा, तो लॉस से रिकवर होकर मोटा प्रॉफिट में आ जाएगा मेरे भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं रखिएगा आप। बाकी 21 डिग्री का टेम्परेचर, चांसेस हो रहे निगेटिव, ह्यूमिडिटी 65% है, मतलब नहीं है, सर्फेस अच्छा है बैटिंग के लिए, हाँ, और यहाँ पे रेन का कंडीशन नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सेशन भी जो पहले होता था कि बॉल स्विंग हो रहा था, जैसा आज के मैचेस में हुआ, रेन हुआ उसके बाद बॉल जितना ज़्यादा स्विंग होने लगा थोड़ा रुक के आया, टेनिस बाउंस था, जिसकी वजह से फर्स्ट 25 और 50 बॉल में दोनों में सेशंस यहाँ पे नॉट हुए, विकेट भी गया दोनों मैच में, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, ये सरफेस अच्छा है बैटिंग के लिए, हाई स्कोर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सके, चल सकते हैं। देखिए 73 मैचेस में यहाँ पे 31 पर फर्स्ट बैट, 30-40 पर सेकंड बैट, सेकंड बैट को एडवांटेज भी दे रहा है, दो मैच टाइड आया है, एवरेज स्कोरिंग दिखा रहा है, T20 पॉइंट ऑफ व्यू से 252 हाइएस्ट सरे का, और ग्लैम ऑर्गन का 44 लोएस्ट है। 150 से नीचे 25 बार लगा, 150 to 160 18 टाइम्स, 170 to 180 9 बार, और एवव 190 21 बार लगा। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि 20 बार से एवव अगर 190 से ज़्यादा लग रहा है तो हाई स्कोरिंग सर्फेस है। बाकी लास्ट मैच देखिए 89 पे पैक हो गई ओवल इनविंसिबल, आराम से पैक इसको चेज कर ली। ये बहुत खराब बैटिंग प्रदर्शन था और कुछ नहीं था, ऐसा कुछ सरफेस में था नहीं, बस फर्स्ट 25 बॉल में इतना खराब अपना सिचुएशन कर लिया था बर्मिंगम फिनिक्स ने, जिसको कोप अप फिर आगे नहीं कर पाई, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। देखिए 10 में से 8 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर्स, और 2 का 2 विकेट में से 1 विकेट पेसर, 1 विकेट स्पिनर्स। फिर देखिए यहाँ पे अगर सर्फेस अच्छा नहीं होता तो 196 तक नहीं पहुँच पाती, और वो भी चेज हुआ है। तो ये अगर मान लीजिए 100 बॉल में लग रहा है 200 रन मेरे भाई, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब 250 के करीब करीब रन हो गया T20 पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एक ही विकेट गिरा था आप सोच सकते हैं, और 3 विकेट जो गिरा वो पेसर्स ने निकाला, तो बहुत अच्छा बैटिंग सरफेस है ये। और उससे पहले देखिए 148 जैसा टारगेट आराम से चेज हुआ है। तो यहाँ पे आप सेशंस खेलने में यस करके चल सकते हैं, बेटर रहने वाला है, ठीक है। रेन भी नहीं है तो बॉल रुक के नहीं आएगा, अच्छा बैटिंग सरफेस, बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, ठीक है। 148 देखिए 6 विकेट जो गिरा पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, 5 में से 4 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, तो 23 विकेट पेसर्स के पास है लास्ट 3 मैच में, 5 विकेट सिर्फ स्पिनर्स के पास है। तो पेसर्स काफ़ी डोमिनेट करते हैं इस वेन्यू पे, याद रखिएगा। हेड टू हेड में 3 मैच हुआ इन दोनों के बीच में, 2 ओवल जीती है, 1 नॉर्दर्न जीती है, तो ओवल का डोमिनेशन है। और देखिए इस वेन्यू पे अगर बात किया तो होम ग्राउंड है ओवल का, और यहाँ पे 1 मैच खेली और वो मैच ओवल जीती, अपने होम ग्राउंड पे काफ़ी डोमिनेशन दिखाया ओवल ने हमेशा। और देखिए लास्ट 5 मैच से 1 भी मैच नहीं हार रही है ओवल इनविंसिबल, और इसका लास्ट मैच ही जीत है, उससे पहले लगातार हार के आ रही थी। इस साल ये 2 मैच खेली, 1 जीती 1 हारी है, तो यहाँ पे 1 ठीक है कि हाँ हैरी ब्रूक के आने के बाद टीम यहाँ पे जीत रही है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं प्लेइंग 11, विल जैक्स, डेविड मलांट, तवांदा मुएवे, सैम बिलिंग, सैम करन, डोनोमन फरेरा, टॉम लेमन बॉय, नेथन सॉर्डर, साकी महमूद, एडम जेम्पा और स्पेंसर जॉनसन। इधर देखा जाएगा तो मैथ्यू शॉर्ट, ग्राहम क्लार्क, निकोलस पूरन, हैरी ब्रूक, एडम जॉर्ज, एडम होज, ओलिवर जॉर्ज रॉबिनसन, जॉर्डन क्लार्क, मिचेल सैंडन, आदिल रसीद, मैथ्यू पॉट्स और कैलम पार्किंसन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डेविड मलान, तो 0-24, 93-29, 54 लास्ट 2 मैच में कुछ फॉर्म नहीं दिखा है, उससे पहले यहाँ पे फॉर्म में आ रहे थे, लेकिन हाँ सरफेस अच्छा मिलेगा तो कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। बाकी तवांदा का देखा जाए तो 24-14, 23-61, 7-45 ये भी कुछ खास लास्ट 2 मैच में नहीं दिखा, इससे बेटर ऑप्शन तो यही रहेंगे एक्सपीरियंस के साथ। सैम करन 20-24, 102, 0-59, 2-0, 1-1, 2 इनका अब काम रहेगा। देखिए स्लैट डेक रहेगा तो सरफेस पे इनको बॉलिंग करना है, बॉलिंग करके बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर देगा तो अच्छा ऑप्शन है। विल जैक्स 25-6, 20-6, 86 या 2 इस मैच में तो लग रहा था बड़ा खेलेगा लेकिन आउट हो गया हल्के में,
इस मैच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अच्छे ऑप्शन है बॉलिंग से भी आप विकेट निकाल के दे सकते हैं, दोनों तरफ से पॉइंट आएगा ड्रीम इलेवन में। ठीक है, सैम बिलिंग्स 3/31, 37/33/14 मिडिल ऑर्डर का बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, दोनों मैन फेरेरा लास्ट मैच में अच्छा खेला, 30 रन का कंट्रीब्यूशन था, तभी 113 तक पहुंचा और वो भी बहुत भारी पड़ गया। ठीक है, वो भी रन डिफेंड हो गया इन्होंने। देखिए 30/22, 7/12, 44/0, 1/0, 1/1, देखिए इस टीम के जीतने का रीजन ये होगा कि अगर दोनों मैन फेरेरा रन कर रहे हैं, 30 रन भी मार रहे हैं और फिनिश कर देंगे तो एक आध मैच तो घोड़ा उड़ा ही देगा। ठीक है, टॉम लेमन बॉय का बात करा जाए तो 7/19/10/8/34/0/0/1/0, नेथन सॉटर 2/1/1 तो हर मैच में विकेट है नेथन सॉटर का, अच्छा बॉलिंग कर लेता है। साकिब महमूद का देखा जाए तो 0/2/1/2, एडम जैम्पर 3/0/2/2, इसको तो जरूर पिक करिए, लास्ट दो मैच में 6 विकेट इनके पास। इधर देखिए स्पेंसर जॉनसन 5/1 है, हर मैच में विकेट लेके ही जा रहा है। ठीक है, और ग्राहम क्लार्क का बात है 17/27/13/0/6, मैथ्यू शॉट 12/4/19/4/56/1/0/0/3/1, ये भी बैटिंग से हल्का रह गए लेकिन बॉलिंग भी कर लेता है, ये भी एकदम विल जैक्स की तरह लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, तो दोनों बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। एडम होस 3/4/8/63/45, कुछ खास फॉर्म रहा नहीं है। ओलिवियर जॉर्ज रॉबिनसन 25/2/21/4/0, निकोलस पूरन अच्छे फॉर्म में आ गए हैं 62/10/8/35/26, थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन था उसमें भी अच्छा रन मार के दिया, तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और यहाँ पे ये फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं। हैरी ब्रुक का भी देखिए टेस्ट खेल के आया है तो 34/25/53/47/20, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में भी है ये। और इधर जॉर्डन क्लार्क का बैटिंग नहीं आया 0/23/7/10/1/0/3/2/1, बॉलिंग से ठीक कर ले रहा है। सैडनर 15/9/21/4/3/1/1 है, तो विकेट लेस ये जाते नहीं है और बैटिंग से जो भी है वो बोनस ही रहने वाला। आदिल रसीद 1/0/1/2/1, दोनों ही बढ़िया ऑप्शन है। मैथ्यू पॉट्स 1/2/0/0/3, इससे बेटर ऑप्शन आदिल रसीद और सेंटर ही रहने वाले हैं। कैलम पार्किंसन का देखा जाए तो 2/0/2/1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं निकोलस पूडन, हैरी ब्रुक, मैथ्यू शॉट, मिचेल सैंडनर, सैम करन, विल जैक्स, आदिल रसीद अलॉन्ग विद एडम जैम्पा, साकिब महमूद, नेथन सॉटर, मैथ्यू पॉट्स कैप्टन, यहाँ पे विल जैक्स वाइस कैप्टन, एडम जैम्पा 6 विकेट है लास्ट दो मैच में, या फिर मैथ्यू शॉट के साथ भी जा सकते हैं, दोनों अच्छे ऑप्शन है। पूडन का फॉर्म बढ़िया है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं पे आता है नेक्स्ट लेवल टीम फ्री में, और यहाँ पे 7/4/2/8/5/2/5/7/6/7 पर कॉन्टैक्ट करिए मैच ऑफ सीजन का। मैच ऑफ सीजन के लिए भी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दिया जाएगा, जाके ज्वाइन करिए डेमो के लिए। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।